20 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में संचलन का आयोजन बिजोलिया में किया गया, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के सामने से निकाला गया संचलन में। किसी प्रकार के कोई धक्का मुक्की, मारपीट, लड़ाई, झगड़ा, अनुशासनहीनता नहीं होने तथा शांतिपूर्ण तरीके से संचलन निकाले जाने के बावजूद 20 दिसंबर को रात्रि 10 बजे कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। उसके बाद रात्रि को और अगले दिन 21 दिसंबर को करीबन आधा दर्जन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। इसका विरोध करते हुए चीला कलेक्ट्रेट में भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेले के नेतृत्व में गिरफ्तारी एवं पूर्ण आपराधिक मामला दर्ज करने एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने का विरोध करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से संचलन निकालने के बावजूद कार्यकर्ताओं पर आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रात्रि को गिरफ्तार करना कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए कांग्रेस नेताओं के दबाव में षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक दबाव बनाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। इससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है और जिला पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने की भाजपा जबरदस्त विरोध करती है। भाजपा जिला अध्यक्ष तेली ने जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि शीघ्र ही मुकदमा की पत्रावली मंगवाकर निष्पक्ष जांच हो तथा पुलिस उक्त मामले की किसी प्रकार की कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं हो। यदि शीघ्र गंभीरता पूर्वक कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा द्वारा संपूर्ण जिले भर में आंदोलन और बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। 20 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बिजोलिया कस्बे में शौर्य दिवस के रूप में पथ संचलन का कार्यक्रम था और जिसे पुलिस प्रशासन ने गलत तौर पर रोकने की कोशिश की और फिर पुलिस अधिकारियों के साथ में और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में पुलिस थाने में वार्ता होने के बाद समझौता हुआ, रूट बदला गया, डीजे को हटाया गया और सभा नहीं करने पर सहमति बनी। उसके बाद में पथ संचलन निकला और इसके बाद में पुलिस द्वारा रात्रि को 10 बजे आयोजनकर्ताओं के खिलाफ व्यस्तावश राजनीतिक दबाव में जब शांतिपूर्ण तरीके से पथ संचलन निकल गया था उसके बाद इस तरह की FIR दर्ज किया और दूसरे दिन उन कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को इस तरह से गिरफ्तार किया गया जैसे कोई बहुत बड़ी आतंकी घटना हो गई हो। और इसी बात को लेकर आज पुलिस अधीक्षक महोदय से बातचीत की है, हमारे विधायक विट्ठल शंकर जी अवस्थी, गोपाल जी खंडेलवाल साहब, जब्बर सिंह जी, गोपी चंद जी मीणा साहब, दामोदर जी अग्रवाल साहब सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने चर्चा की है, अनुरोध किया है कि इस तरह से राजनीतिक रूप से दबाव में आकर शांतिपूर्ण कार्यक्रम होने के बाद में मुकदमा दर्ज किया जाना, गिरफ्तारी करना ये बहुत गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमने कहा है कि इस प्रकार की यदि घटनाएं द्वेष्टावश और राजनीतिक रूप से की गई तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जनप्रतिनिधि बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। 20 तारीख को बिजोलिया में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक शांतिपूर्ण घूमना था, पथ संचलन करना था, उसमें बिगड़ मतलब पुलिस ने आकर वहाँ के थानाधिकारी ने दबाव बना के उसको रोकना चाहा और उनकी मनमानी ढंग से किसी के राजनीतिक दबाव में आकर एक राजनेता के कहने पे उन्होंने जो ये कार्य किया है ये बहुत ही घृणित कार्य है। आज हम इसके जो हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ पे जो पुलिस में आज जो गिरफ्तार किया है उनके विरुद्ध हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के MLA, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी और हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे बिजोलिया के क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सब आज SP साहब से मिले हैं। उनको कहा कि ये अन्याय हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी है, अच्छा काम करने के लिए है। हम ये ऐसा अगर दुर्भावनावश हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसा किया गया तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार, सभी जनप्रतिनिधि आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसके सब जिम्मेदार प्रशासन और पुलिस होगी, इसमें कोई भी डिले नहीं रखेंगे। सर आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम जो ये फर्जी केस लगाए एक राजनेता भी दबाव में आकर उनको तुरंत हटाया जाए और जो भी करे अपन यहाँ हमारी जनता जो सरकार के प्रशासन के जो नियम है उनके नियम में रह के हम काम करेंगे, प्रशासन को कभी ये परेशानी नहीं खड़ी करेंगे।